आज के वीडियो में अपन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है चाय। दोस्तों, अक्सर आप लोग सुबह या शाम को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में चाय का उपयोग अवश्य करते हैं, चाहे अपने रिश्तेदारों में हो, दोस्तों के साथ हो या अपने परिवार के साथ हो। कैसे ना किसी और एन के प्राकरण आप चाय का उपयोग अवश्य करते हैं या कहीं ना कहीं आपका चाय का मुलाकात हो ही जाती है। तो दोस्तों, जो चाय जो मुख्य रूप से जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, चाय में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अपने शरीर को कैसे इफेक्ट करते हैं, किस प्रकार से अपन चाय पीते अपने शरीर में ताजगी और तंदुरुस्ती आनंदित महसूस होता है, इसमें चाय पीने से क्या नुकसान है और क्या फायदा है, कितना परसेंट इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू मिलती है अपन को, कौन कौन से रोग से रोने की संभावना ज्यादा मिलती है और वो जो रोग होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, इस वीडियो के माध्यम से अपन ये फैक्ट जानेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें और इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो दूसरों के साथ भी साझा करें, शेयर करें। और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जो चाय जो होती है वो एक गर्म तरल पदार्थ होता है जिसको अपन अक्सर सुबह या शाम को अपन अवश्य यूज करते हैं। दोस्तों, जो चाय होती है वो एक विशेष प्रकार के पौधों से अपन को मिलती है जिसका नाम होता है थियासाइसेनिसिस को अपन यहाँ से इसको लेते हैं। और इसकी जो पत्ती की जो लंबाई होती है वो 2.5 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक होती है और जो चौड़ाई जो होती है वो 1.5 से लेके 2 सेंटीमीटर तक होती है। अब जो अपन बात करेंगे कि इनके प्रकार कितने होते हैं, तो दोस्तों इसमें चाय के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार होते हैं। एक ग्रीन टी होती है, एक ब्लैक टी होती है, एक होती है आपकी ओन लॉन्ग टी करके होती है जो इनका मिश्रित रूप होता है। तो दोस्तों, जो पहले वाली जो होती है वो ग्रीन टी होती है और ये हरी पत्ते वाली चाय प्राप्त करने के लिए हरे पत्तों को पहले कृत्रिम विधि से इसको गर्म वायु में झोंका जाता है और फिर उसमें उसको बनाया जाता है। अक्सर इस जो ये जो चाय पत्ती होती है वो हाई क्वालिटी की होती है, इस वजह से इंडिया में बहुत कम यूज किया जाता है और इसका अधिकतर अपन निर्यात करते हैं। चाहे वो सबसे ज़्यादा जो निर्यात होता है वो अपना इंडिया का इंग्लैंड में होता है और दूसरे नंबर पे होता है आपका चाय का निर्यात जो होता है वो अमेरिका में होता है। दूसरे नंबर पे आती है आपकी काले पत्ते वाली चाय जिसको हम ब्लैक टी बोलते हैं, जिसको अपन दूध के अंदर डाल के बनाते हैं। तो दोस्तों, जो ये काली पत्ती वाली जो चाय होती है इसको पहले तोड़ा जाता है, फिर इसको एकत्रित किया जाता है और एकत्रित करने के बाद इसको प्रोसेस में लाया जाता है, फिर इसको सुखाने के बाद इसके तांबे की प्लेट पे डाला जाता है। स्पेशली है कि उसको तांबे की प्लेट के डाला जाता है और फिर उसको काली किया जाता है। ऐसे नहीं कि वह तुरंत काली हो जाती है, पहले उसको तांबे की प्लेट पे डाला जाता है और फिर उसको प्रोसीजर करके द्वारा उसको काला किया जाता है, जिसकी वजह से उसकी गुणवत्ता घट जाती है। और इंडिया में जो अपन यूज करते हैं वो अक्सर अपन काली चाय ही यूज करते हैं, उसकी गुणवत्ता बहुत कम होती है जिसकी वजह से ये प्राइस बहुत कम होती है। फिर आपकी आती है ओलोंग टी होती है जो अर्ध खिमरीकृत चाय होती है, यह मुख्य रूप से फार्स मोसो से तैयार किया जाता है। इसका रंग आंशिक रूप से काला होता है और यह हरी पत्ती और काली पत्ती चाले के मध्यम गुणों वाली चाय पत्ती होती है। तो दोस्तों, अब जो मुख्य रूप से अपन बात करेंगे वो अपन चाय से संबंधित कुछ कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे कि चाय के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जिसके अपन बात करेंगे। तो दोस्तों, मुख्य रूप से जो चाय के अंदर जो होती है उनमें आपका टेनिन हो गया, कैफीन हो गया, निकोटीन हो गया और आपका एक विशेष प्रकार का ऑयल होता है जो जिसमें अपन यूज करते हैं, जिसको अपन वाष्पीकृत तेल बोलते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहले अपन बात करते हैं तो इसमें आपका आता है कैफीन। कैफीन का जो लेवल होता है चाय के अंदर 4 से 6% का इसके अंदर इसका कैफीन का लेवल होता है। अब जो कैफीन क्या करती है, इसमें अपने शरीर में स्फूर्ति प्रदान करना, उत्तेजित करना, इसका इसका मुख्य रोल होता है। अब आगे समझेंगे कि ये कैस इस प्रकार से अपने शरीर को इफेक्ट करता है। तो फिर इसके बाद बात करते हैं, ये जो कैफीन होता है वो ये जलन में घुलनशील होता है और इसी के कारण इसमें आप लोगों को ताजगी और स्फूर्ति महसूस होती है तथा थकावट दूर होती है। फिर जो अपन बात करेंगे जो टेनिन जो होता है, लगभग 14% के आसपास टेनिन पाया जाता है जो अपनी चाय को रंग प्रदान करता है और जो चाय में जो सुगंध आती है और जो सुगंधित करता है वो टेनिन की वजह से होता है। टेनिन दोस्तों मुख्य रूप से स्वास्थ्य के लिए बहुत हार्मफुल होता है। यदि अपन चाय बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो चाय अपने लिए स्वास्थ्य के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। किसकी वजह से? टेनिन की वजह से।
और साथ ही चाय को यदि हम हमेशा दूध के साथ अपन यूज करते हैं, तो आपको स्पेशली बता दूं को जैसे अपन चाय वाली चाय जो यूज करते हैं दूध के साथ, तो दोस्तों टेनिन और आपका कैल्शियम, जो कैल्शियम होता है वो दूध के अंदर होता है, दोनों को मिला के आपका एक विशेष प्रकार का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है, जिसको हम कैल्शियम टेनेट के नाम से जानते हैं, और इसको अपना शरीर ऑब्जर्व नहीं कर पाता, जिसका मतलब कि अपना शरीर इसको यूज टू नहीं हो पाता, अपने शरीर को मतलब हजम नहीं कर पाता, तो ये अपने शरीर में इकट्ठा हो जाता है और फिर शरीर में इसका अपन को नुकसान पहुंचता है। फिर अपन बात आती है कि शरीर अपनी चाय कड़क क्यों हो जाती है, तो दोस्तों इसका भी मुख्य कारण आपका टेनिन और कैफीन ही दोनों केमिकल होते हैं, जितना ज़्यादा इसको पकाओगे उतना ही ज़्यादा ये कड़क स्वाद करेगा और उतना ही ज़्यादा ये कड़वा होता जाएगा। फिर इसके बाद होता है आपका एक विशेष प्रकार का ऑयल, जिसको हम वाष्पीकृत तेल जानते हैं, वाष्पीकृत तेल की वजह से भी चाय के अंदर सुगंधित होती है, जो चाय के बनाते वक्त ये हवा में उड़ जाता है। तो दोस्तों ये थे इसके मुख्य रूप से कंपोनेंट्स। तो दो अब अपन बात करेंगे कि चाय अपने शरीर में इफेक्ट कैसे डालती है। तो दोस्तों जो जैसे ही अपन चाय पीते हैं, तो चाय पीने के बाद पूरी प्रोसेसर के माध्यम से वो लीवर तक पहुँचती है, और लीवर उसको क्या करता है, अपने ब्लड के अंदर घोल के पूरे शरीर में इसको ट्रांसमिट करता है। तो ये दो भागों में डिवाइडेशन हो जाती है, कुछ पार्ट इसका किडनी के पास जाता है और कुछ पार्ट अपना ब्रेन के पास जाता है। तो सबसे पहले जो ब्रेन जो होता है, ब्रेन के पास एक ग्लैंड होती है, जिसको अपन मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड की बात कर रहा हूँ। पिट्यूटरी क्या करती है कि कई विशेष प्रकार के उत्तेजित हार्मोन या तो स्रावित करती है या स्रावित करने का आदेश देती है। जैसे ये स्रावित हार्मोन स्रावित होते हैं या फिर कहीं दूसरी जगह से ये हार्मोन स्रावित होते हैं, तो पहले तो ये खुद कर देती है, फिर उसके बाद किडनी के पास उसको केमिकल को भेजती है, और जैसे ही वो केमिकल किडनी के ऊपर एक विशेष प्रकार की ग्लैंड होती है, जिसको हम एड्रिनल ग्लैंड के नाम से जानते हैं, आपकी एड्रिनल ग्लैंड से उत्तेजित हार्मोन स्रावित करने के नाम से जाना जाता है। बहुत ज़्यादा उत्तेजित हार्मोन स्रावित करने के लिए आपकी किडनी की जो ग्लैंड होती है वो एड्रिनल ग्लैंड, और उसी के लिए वो लाइबल होती है। उसकी वजह से अपने शरीर में ताजगी अनुभव होती है, स्फूर्तगी आती है, वो एक केमिकल प्रोसेस के माध्यम से अपन को ये सब चीज़ें फील होती है, अपन महसूस करते हैं। और जब कभी भी अपन चाय यदि अपन यूज नहीं करते हैं, पीने का टाइम नहीं मिलता या पी नहीं पाते हैं, तो उसकी वजह से कई प्रकार के अपन को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे आप सर में दर्द होना, मन नहीं लगना, तन मतलब सुस्ती रहना, इसका ये मुख्य कारण हो सकता है। अब अपन बात करते हैं कि चाय जो होती है उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी होती है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, चाय में कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती है, बस अपने अपने स्वाद के लिए, अपने शरीर के लिए बस नॉर्मल पीते हैं, इसका कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है होता है। और यदि अपन ज़्यादा पीते हैं तो ये अपने शरीर के लिए हार्मफुल होती है। अब ये समझते हैं कि अपने शरीर में यह हार्मफुल कैसे होती है। तो दोस्तों जैसे ही अपन खाली पेट सुबह सुबह चाय पीते हैं, तो अपना शरीर ऑलरेडी उसमें एसिड होता है, क्योंकि आपका जो अमाशय होता है, आपका जो स्टमक होता है, उसमें HCl होता है, और HCl की जो प्रवृत्ति होती है, जिसकी प्रकृति बाई नेचर, वो एसिड होता है, और चाय भी एसिड होती है। जैसे ही अपन खाली पेट पीते हैं, और खाली पेट पीने की वजह से पेट में भी एसिड है और चाय में भी एसिड है, और दोनों को एसिड एसिड मिलने की वजह से ज़्यादा एसिड हो जाता है, और वो एसिड ब्लड में घुल के फिर ब्लड में आपका एसिटिक लेवल बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपकी अम्लता के करीब करीब 70-80 रोग आने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे ही वहाँ से संबंधित आपसे 80 प्रकार के रोग आते हैं, उनमें आपके गैस हो गया, जिसको हम कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी है, मतलब और आपके शरीर में अम्लता का लेवल बढ़ जाना है, भूख नहीं लगना है, आपका पेप्टिक अल्सर हो जाना, ट्रैक का अल्सर हो जाना, कैंसर भी इससे हो सकता है, क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक अपन जितनी ज़्यादा गर्म चाय पीते हैं उसमें उतने ही ज़्यादा संभावना मतलब कैंसर की बढ़ जाती है। अक्सर आप लोग देखते हैं कि गले से संबंधित और ट्रैक से संबंधित जो कैंसर के जो पेशेंट होते हैं, उनमें मुख्य रूप से ज़्यादा ठंडे प्रदेश से, या जैसे कश्मीर हो गया, या फिर दूसरी जगह जैसे US हो गए, जहाँ जितनी ज़्यादा ठंड होगी वहाँ पे उतना ही ज़्यादा गर्म चीज़ यूज किया जाता है, जिसकी वजह से उसमें
ट्रैक में कैंसर होना, मुंह में कैंसर होना एक आम बात बन जाती है। फिर जैसे जैसे आपका एसिड का लेवल बढ़ता है, आपको भूख नहीं लगेगी, आपका मतलब एसिडिक हो जाएगा, आप सही ढंग से सो नहीं पाएंगे। जैसे जैसे आपका एसिड का लेवल बढ़ेगा, आप कार्डियो से संबंधित, कार्डियोलॉजी से संबंधित दिक्कत आएगी। आप फिर जैसे जैसे आएगी तो फिर भूख नहीं लगेगी, तो भूख नहीं लगने की वजह से शरीर वीक होगा, और शरीर वीक होगा तो शरीर ढंग से काम नहीं करेगा, और काम नहीं करने की वजह से आपके कई प्रकार के स्ट्रेस या अवसाद या एंजाइटी के आप शिकार हो जाएंगे। तो दोस्तों जहां तक संभावना हो सके चाय का कम ही यूज़ करें, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। स्पेशली जब अपन खाली पेट चाय पीते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखना होता है। चाय पिएँ तो एक या दो मैक्सिमम पिएँ, और जहाँ तक हो सके आप ज़्यादा ग्रीन टी का यूज़ करें, क्योंकि ग्रीन टी आपके शरीर में सबसे ज़्यादा टॉक्सिजन का लेवल जो होता है वो बाहर फेंकने की होती है। जो ग्रीन टी यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा आपका टॉक्सिन लेवल को रिलीज करता है, शरीर से बाहर निकालने की कोशिश रहती है उसकी। और इसी के साथ साधुवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।